कितने हो गए? 13 डीफैक्टराइजेशन करते हैं 14 साइन सी प्लस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी इधर देखो सब लोग पहले साइन प्लस साइन क्या फॉर्मूला साइन कॉस साइन माइनस साइन cos plus cos और cos minus cos सब जगह पे पहला एंगल सब जगह पे दूसरा एंगल लिख लो sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 किधर ऐसा तेरा जा रहा इधर थोड़ी देर में बेंच पे लिखेगा sin c minus sin d आएगा अभी sin c plus sin d 2 sin cos sin c minus sin d 2 cos sin cos c plus cos d 2 cos cos or cos c minus cos d minus 2 sin sin nahi nahi idhar sab likh kya bol rahi hai kya bol rahi हो गया सत्रह हो गया ना फॉर्मूला नंबर 18 साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और एक दिया था मैंने कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर ना फॉर्मूला नंबर कौन सा अभी 19 कॉस ए प्लस बी cos a plus b into cos a minus b cos square a minus sin square b cos square a minus sin square b और दूसरा क्या sin square b minus cos square a sin square b minus cos square a नहीं नहीं sin square a minus cos square एक मिनट cos square a minus sin square b लिखा है ना हाँ. और फिर लिखो cos square b minus sin square b दूसरा वाला इसका sorry cos square b minus sin square a perfect हो गया कितना हो गया 19 और कौन सा अब आप एंगल लिखते चलो कितना हो गया 19 ना फॉर्मूला नंबर 20 चलो साइन के हाफ एंगल के कितने फॉर्मूले दो पहला कौन सा टू साइन कॉस दूसरा कौन सा टू टैन अपॉन वाई प्लस टैन स्क्वायर एंगल नहीं बोलने का एंगल जो भी रहेगा उसका क्या करने का रहता है हाफ समझ गया चलो साइन टू थीटा साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा नेक्स्ट 21 साइन टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा समझा गया 22nd की 20 का कॉस के हाफ एंगल के कितने फॉर्मूले चार वेरी गुड पहला कौन सा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दूसरा कौन सा टू कॉस स्क्वायर माइनस स्क्वायर तीसरा कौन सा वन माइनस टू साइन स्क्वायर चौथा कौन सा वन माइनस टैन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर लिखो कॉस टू थीटा का पहला फॉर्मूला cos square theta minus sin square theta cos square theta का दूसरा फॉर्मूला 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta का तीसरा फॉर्मूला 1 minus 2 sin square theta और उसका चौथा फॉर्मूला 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta 22 23 24 25 कितने हो गए 25 ना 26 tan 2 theta क्या 2 tan upon 1 minus tan square 2 tan theta upon 1 minus tan square theta
एंगल जो भी उसका आधा है, याद है ना ये सब कर दो, 20 व्हाट 7 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये याद ही रखा, जैसे ही 1 प्लस cos दिखा आग बंद करने का, सीधा 2 cos स्क्वायर लिखने का, और 1 माइनस sin दिखा आग बंद करने का, सीधा क्या लिखने का 2 sin स्क्वायर, एंगल जो भी रहेगा उसका हाफ, कितना हो गया 29 देखो, 1 प्लस sin 2 थीटा, 1 प्लस sin 2 थीटा क्या फॉर्मूला था, cos प्लस sin द होल स्क्वायर, वेरी गुड, 1 प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा द होल स्क्वायर, और 1 माइनस sin 2 थीटा cos माइनस sin द होल स्क्वायर। बराबर आ गए सब लोग, याद था कितने हो गए 31st, साइन 3 थीटा 1 थर्ड एंगल, क्या होता है साइन 3 थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ये विषय लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग, अथर्व फिर cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, बराबर है, कितने हो गए 34, sin theta sin 60 minus theta, sin theta sin 60 minus theta sin 60 plus theta, याद है क्या, 1/4, very good, 1/4 sin 3 theta, very good, proud of you, 1/4 sin 3 theta, फिर cos theta cos 60 minus theta cos 60 plus theta 1 by 4 cos 3 theta, very good, बराबर। और 36 tan theta tan 60 minus theta tan 60 plus theta, 1/4 दिएगा नहीं, tan 3 theta, 34, 35, 36, 36 हो गया ना, और कुछ है क्या, मेरे को याद दिया रहे, बट वो डेरिवेटिव को जरूरत नहीं होता है तो नहीं दे रहा, और कुछ वो a plus b equal to c हुआ तो वो भी आएगा, 1 plus tan x upon 1 minus tan x, कितना हो गया 37 ना, 1 plus tan x या 1 plus tan theta लिख दो चलेगा, 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta, क्या tan of pi by 4 plus theta, tan of pi by 4 plus theta, फिर बाद में 38, 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta, tan of क्या, tan of pi by 4 minus theta, और कुछ याद करो बस, बस हो गया डेरिवेटिव को मोस्टली, इतना ही जरूरत है, इनवर्स वाले जरूरत लगता है बट वो अभी नहीं, मेरे को एक बात बताओ साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक और कॉस को फर्क नहीं पड़ता, बाकी सबको फर्क पड़ता है पता है ना, बाकी इनवर्स के फॉर्मूले जब वो डेरिवेटिव चलूंगा तब दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला याद हो गया, चलो इधर देखो अभी डिफरेंशिएशन देखते हैं, अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या करेगा, कोई भी तुमको पूछेगा डेरिवेटिव का मतलब, इधर उधर का कुछ बात नहीं करने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ये सब नहीं, डेरिवेटिव का बेसिक डेफिनेशन याद रखो जो मैं बता रहा हूं, और यही आंसर करने का, स्लोप ऑफ टेंजेंट,
डेरिवेटिव का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? डेरिवेटिव का बेसिक डेफिनेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, अभी तुम लोगों को एक कंसेप्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो समझ गए ना, डेरिवेटिव का यूज कैसे करने का वही होगा। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट यही होता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, तो किसी ने भी पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स, ये मत बोलना रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, फिर बाद में सबसे छोटा पार्ट, ये सब मत बोलना। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, समझ गया? यही डेफिनेशन। मैं कभी भी पूछेगा उठ के व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, मतलब क्या बोलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही बोलेगा, समझ गया? अब डेरिवेटिव को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, बोल रहा हूं, देखो केयरफुली। देखो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये जितने भी फॉर्मूले ना सब डिराइव्ड होते हैं लिमिट से। कहां से डिराइव्ड होते हैं? डेरिवेशन तुमको आता नहीं, 11th का एग्जाम देना रहता तो आता था, मतलब देना है 11th का एग्जाम, बट ऐसा कुछ है नहीं, टेंशन मत लो अभी से। ठीक है, अब डेरिवेटिव होता क्या, देखो लिखने का इसे, देखो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। क्या बोलते हैं? वाई डिफरेंशिएट, क्या विद रिस्पेक्ट टू यू, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। कभी भी ऐसा है ना डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू, उसको लिखने का डी वाई बाई डी यू, समझ गया तुम लोग को? डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू यू का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी यू। ठीक है, इसका आंसर बताना। डिफरेंशिएट x with respect to y, बोलो dx by dy, dx by dy, very good। अब ये सुनो, differentiate v with respect to z, dy by dz, ये सब समझ गया ना? कभी कभी ये भी लिख के आता है differentiate f of x function, y मतलब ही function ना, differentiate f of x with respect to x, वेरिएबल रहेगा, इधर u रहता तो इधर भी होता, t of f of x, f dash of x, क्या लिखने का? f of x का डेरिवेटिव पूछा तो f dash of x, f of x का डेरिवेटिव पूछा तो क्या? तुमको समझा? with respect to x, इधर differentiate f of u होगा तो with respect to u ही आना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कौन है? u हो जाएगा ना, अभी वेरिएबल कौन है? x ना, तो with respect to x करेंगे तो f dash of x, समझ गया तुम लोग को? Differentiate u with respect to v, बोलो du by dv, ये बेसिक नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? समझो, मैंने बोला डिफरेंशिएट g of x with respect to x, तो g dash of x, समझ गया तुम लोग को? g dash of x, इतना समझता है ना सबको? इतना पहले कॉपी कर लो, फिर बाद में देखते हैं। चलो फटाफट कॉपी कर लो, सब कर ले। ए मैथ्स टू में मैं तुमको बता देता हूँ और कौन से टॉपिक है, इसे देख लो सब लोग। सेवन टॉपिक होते हैं पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एट लास्ट टॉपिक होता है बीडी, हर्ष गुप्ता है वो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तुम लोग ना ये नहीं आया है, फेल हो जाएगा मैथ्स टू में, ट्वेल्थ में तो पक्का फेल है, क्योंकि इसमें से ट्वेल्थ के पेपर में 5 मार्क्स का आता है और इसमें से 3 मार्क्स का, 8 मार्क्स, और ये 8 मार्क्स हलवा भी नहीं है, ये भी डिफिकल्टी है। ठीक है, तो मैथ्स में तो 0 ही आ जाएगा तुमको, अगर डेरिवेटिव्स नहीं आया तो ईच एंड एवरी टॉपिक ना केयरफुली पढ़ना है सब लोग को, समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी कर लो जल्दी इतना। इधर देखो, अब फॉर्मूला लिस्ट करना है हम लोग डेरिवेटिव का। ठीक है, क्लास में आने से पहले वो जो फॉर्मूला लिस्ट बाहर सबमिट करोगे और फिर क्लास में आने का। ठीक है, ऐसा नहीं मैं मंडे आऊंगा मेरे को 4 दिन का एक्सर चाहिए, वो सब नहीं, रोज एक बार फॉर्मूला लिस्ट लाके सबमिट करोगे, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो इधर देखो, समझो एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं वाई, क्या ले रहा हूँ? या तो मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, क्या ले रहा हूँ? और अभी मैं इधर उसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट with respect to x, ठीक है? क्या होगा y का डेरिवेटिव? dy by dx, और या तो f of x का डेरिवेटिव क्या होगा? f dash of x, ठीक है? मैं सारे फॉर्मूले आज ही दे रहा हूँ, 11 का खत्म होगा, 12 का अलग दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, एक साथ दे रहा हूँ, सब याद रखेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री के कर लेते हैं, sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, provided अभी कभी भी उठ के ऐसा तुम लोग sin x का डेरिवेटिव cos x नहीं लगा सकते हैं,
ये जो एंगल होगा ना एंगल वो रेडियंस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए radians. मैंने कुछ नहीं डाला है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट वो रेडियंस है. अगर मैं पाई बाय 2 लिखता हूँ, रेडियंस पता है ना तुमको, रेडियंस का सिंबल क्या था, छोटा सा सी लिखते ऊपर, समझ गया ना. अगर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ ना, मतलब बाय डिफॉल्ट वो रेडियंस है. रेडियंस मैंने तुमको बोला था ऐसा यूनिट रहता है एंगल्स का, बराबर की नहीं. तो मैं सिर्फ पाई बाय 2 लिखूंगा तो तुम लोग को समझ जाता है 90 का बात हो रहा है, बट सिर्फ 90 लिखूंगा तो समझता नहीं 90 डिग्री हो रहा है, बराबर ना, क्योंकि मेरे को डिग्री मेंशन करना पड़ता है. मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब वो क्या है, डिग्री रहेगा तो ऊपर वो जीरो या ओ जो भी है वो रहेगा, समझ गया क्या बोल रहा हूँ. साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिग्री तुम लिखोगे तुमको जीरो मिलेगा. साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिग्री नहीं होता है. क्या होता है सर, बाद में बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है. बट याद रखना साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कब होता है, जब एंगल किस में रहेगा, कुछ नहीं दिया मतलब बाय डिफॉल्ट वो किस में है, समझा इतना. सेकेंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव बोलो, मुस्तफा सर ने पढ़ा है ना तुम लोग को, थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होना चाहिए. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव एंड द ग्रेडियंट में होना चाहिए. थर्ड टैन एक्स sec x into tan x क्या होता है, इतना समझा. और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा है, कौन सा, cosec x माइनस cosec x इंटू, समझा क्या, छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस tan x का डेरिवेटिव cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x sec x का डेरिवेटिव sec x tan x और cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x cot. समझा क्या, जो जो फॉर्मूला c से चालू रहा है सबको नेगेटिव साइन है, देखो cos cot cos x तीनों को नेगेटिव साइन है, समझा भाई, समझा गया. यस सर. हां sin x का डेरिवेटिव बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो, चलो sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, tan x का sec x, cot x का माइनस cos x square, sec x का sec x और cos x का माइनस cos a. देखो छह तो याद भी हो गया, इसे याद करते रहने का, समझ गया क्या बोल रहा हूँ. फॉर्मूला नंबर 7 x raise to n. Formula number 7, x raised to n. Nx raised to n minus 1. Nx raised to n minus 1. एक पेज फाड़ो बुक में से. जल्दी से फाड़ो एक पेज. रफ के लिए मेरे को चाहिए. अगर रफ बुक है बैग में तो अच्छा है, नहीं तो एक पेज ले लो. फटाफट फटाफट. हाँ लास्ट में पेज उतरेगा. पेंसिल लेटो पेंसिल. थोड़ा आराम से पैक टर्न करो, पढ़ जाएंगे मेरे को बोलना. फिर हो गया पेंसिल उठाया, इधर देखो सब लोग. ए गधो, ये कौन सा टाइप है मैंने वो बताओ मेरे को. सुनो ये टाइप है वेरिएबल रेस टू कॉन्स्टेंट. कौन सा टाइप है वेरिएबल, समझता है, एक्स वाई ये सब वेरिएबल है और पावर में कॉन्स्टेंट, मतलब नंबर्स रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, 100 रहेगा, 3/2 रहेगा, ये सब रहेगा, समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं. चलो अभी सोच के बताना x raise to n का मैंने डेरिवेटिव क्या बताया तुम लोगों को, nx raise to n minus 1, मैंने वेरिएबल raise to constant क्या होता है बताया, ठीक है. चलो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं अपन. जब तुम रोज फॉर्मूला सीखोगे ना तो एग्जांपल लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है. हर्ष देशमुख x raise to 7 का डेरिवेटिव बता. 7x हर्ष कब से, वेरी गुड, 7 x raise to 6. अच्छा वो पाटिल सेकेंड वाला, हाउ इज इट, ये क्या लिखा दिख रहा है ना, वहां से दूर है इसलिए पूछ रहा हूँ. पूछिए भाई ना, प्लस माइनस 10x raise to minus 11. वेरी गुड, माइनस 10 x to the power of minus 11, बराबर बोला कि नहीं बोला. यस सर.
अदिति पोरे बोलो साइन बाय टू एक्स रेज टू एट बाय टू सेवन बाय टू हाँ नाइन बाय टू नीचे आ जाएगा एक्स का पावर क्या बन जाएगा सेवन बाय टू सुनो अभी जो बता रहा समझो ऐसा है ऐसा राइट लिखा राइट पेन से नहीं चलेगा मतलब x रेज टू x और तुम इधर x नीचे x का पावर x माइनस 1 दे दोगे तुमको पहले तो फट के लेगा ऐसा सब नहीं चलता है ये वेरिएबल रेज टू वेरिएबल हो गया ये क्या है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल सीखा है क्या वेरिएबल रेज टू वेरिएबल तो ऐसा कुछ करना मत लिखना अभी और कट कर देना तुम लोगों को समझा ये मत कट करना ये रहने दो ये इसी के सामने लिखना समझ गया ना ये अलाउड क्यों नहीं समझा दिस इज वेरिएबल रेज टू वेरिएबल इसको कैसे करने का सर सबर करो मिलेगा सबको मिलेगा सब अभी के लिए अवॉइड वेरिएबल रेज टू वेरिएबल को ऐसा डील नहीं करने का आर यू गेटिंग माय पॉइंट पक्का सुनो 5:10 इसको तुमने लिखा 10 इंटू 5:9 तीन से पहले फटके मिलेंगे हाँ ये कॉन्स्टेंट रेस्ट टू कॉन्स्टेंट है ऐसा सब नहीं करने का सॉरी क्या बोल रही बोल 5:10 कैसे सॉल्व करना है आता है वेरी गुड प्राउड बट ये क्यों नहीं चलेगा समझा दिस इज प्योरली फॉर व्हाट वेरिएबल रेस्ट टू कॉन्स्टेंट चलो बुक का लास्ट पेज ओपन है अब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने जल्दी से इसका आंसर बनाओ 2x वेरी गुड इसका आंसर क्या जल्दी से इसका आंसर बताओ x का पावर हाफ मतलब माइनस वन एक्स टू द पावर ऑफ माइनस टू बराबर ना एक्स का पावर क्या बताया ना माइनस वन है क्या है माइनस वन नीचे आएगा तो एक्स का पावर माइनस टू हो जाएगा ना तो माइनस वन इंटू एक्स का पावर माइनस टू ये डायरेक्ट याद रखने का मैं पूछेगा वन अपॉन एक्स का क्या सर एक मिनट ये सब करते नहीं बैठने का वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर समझा गया चलो चालू करते हैं x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x x रेस टू 3 बाय 2 का डेरिवेटिव वेरी गुड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x रूट x का डेरिवेटिव 1 और x का डेरिवेटिव समझा गया वापस चालू करो यहां से बोलो 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 x रेस टू n का डेरिवेटिव x square का derivative 2x very good x का derivative 1 x raised to 3 by 2 का derivative 3 by 2 1 upon x का derivative minus 1 upon x square और 1 root x का derivative 1 upon 2 ये समझा क्या ये examples नहीं है number ही दिया मतलब ये formula है examples ये थे ये मेरे को direct याद होने चाहिए इसलिए मैंने तुमको दिया है समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं पक्का 14 इधर देखो ये गधो log x 1 upon x 1 upon ओले अरे यार क्या यार मैं थोड़ा आराम से ये यार इधर की वो नहीं नहीं
लिखना है तो तू लिख, ऐसा मुझे नहीं, मेरे को डर मत। log x का डेरिवेटिव क्या? प्रोवाइडेड, फिर से एक कंडीशन है, बेस e एंड बेस e होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? e। अभी मैंने कुछ बेस नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट नेचुरल बेस e। बेस 10 वाला बेस 10 तुम उसको 1/x नहीं लिख सकते, तुमको 0 मिलेगा मार्क्स। तो क्या करेगा नहीं बताऊंगा अभी, बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए याद ही रहना। मैंने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी एंगल किस में होना चाहिए? डिग्री चलेगा क्या? अगर डिग्री चलेगा तो ऐसा फॉर्मूला नहीं, कुछ और होता है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। सिमिलरली log x का डेरिवेटिव क्या होता है? बट ये कब, जब उसका बेस क्या रहेगा? समझ गया तुम लोग को? फॉर्मूला नंबर 14 केयरफुल देखना, a रेस टू x, a रेस टू x मतलब कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल, a मतलब कॉन्स्टेंट, 5 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, समझ गया? a मतलब क्या? कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल, ये दूसरा टाइप हो गया अपना। अभी तक ये दोनों नहीं आया उसमें, ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट, तो ये वाला टाइप आया क्या? नहीं। a रेस टू x का डेरिवेटिव याद रखना, a रेस टू x log a, क्या? a रेस टू x प्रोवाइडेड, हां प्रोवाइडेड a 0 से बड़ा होना चाहिए, फंक्शन में बड़ा है ना, हां याद है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, याद है क्या? लॉग की बेस में भी तो रहता है ये, 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए। फंक्शन में एक्सपोनेंशियल में पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या? a रेस टू x लॉग a। एग्जांपल दे, एग्जांपल इधर देखो, 5 रेस टू x बोलोगे तो 5 लॉग 5 की लॉग x, लॉग 5 7 रेस टू x, समझ गया क्या? ये उसका एग्जांपल, पहले आंसर मत करना, बताओ ये कौन सा टाइप है? कांस्टेंट टू वेरिएबल, मैं उसको बोला e कांस्टेंट होता है, ये बोला मेरे फंक्शन में e का वैल्यू, अरे वैल्यू 2.718 बोला था ना मैंने, e रेस टू x का डेरिवेटिव ऐसा ही है ना, करो तो क्या आएगा? log e और उसका बेस भी e है, 1, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव, ये सबसे इजी फॉर्मूला है, e रेस टू x का डेरिवेटिव, e रेस टू x का डेरिवेटिव, चलो log x का डेरिवेटिव 1 upon x, e रेस टू x का डेरिवेटिव, e रेस टू x log a, e रेस टू x का डेरिवेटिव, समझा गया पक्का? फॉर्मूला नंबर 15 तो गया ना, फॉर्मूला नंबर 16 k कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट अकेला दिखा, जीरो रुकना, कांस्टेंट अकेला दिखा, उसके आगे वो जो कुछ नहीं रहेगा, तो डेरिवेटिव सीधा जीरो, तो डेरिवेटिव क्या? जीरो। ये बहुत ज्यादा चल रहा है, कांस्टेंट अकेला दिखा तो डेरिवेटिव सीधा क्या आएगा? जीरो। समझ गया सबको? अब इधर देखो सबको एग्जांपल, निकालने मत बैठना, तुमको 5 क्यूब भी अच्छे से नहीं आता है, तो 5 into 10 तो सोचो भी मत, तुम लोग नहीं आता तुमको, मैं बस अभी चुप बैठ। 5 into 10 का डेरिवेटिव क्या? क्योंकि कितना भी बड़ा होने तो हमको फर्क नहीं पड़ता, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो। कुछ समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? कांस्टेंट अकेला दिखा, उसका डेरिवेटिव क्या? समझो, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट किसके साथ है? कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाएगा, वेरी गुड, कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाएगा, तो के वैसे ही रखने का, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का करने का, क्या? एफ डैश ऑफ एक्स, समझ गया तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? ये देखो, दिखा -3 कांस्टेंट है, आया ना, अकेला है क्या? सिर्फ -3 होता तो डेरिवेटिव क्या? बट वो अकेला है क्या? तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाने का, बराबर, तो -3 वैसे ही रहेगा, हाँ, tan x का डेरिवेटिव x2, ये गधो समझा गया? यस सर, पक्का? यस सर, श्योर है क्या? चलो अगला 18,
यू प्लस माइनस वी, यू प्लस माइनस वी मतलब दो फंक्शन के बीच में या तो प्लस का साइन होगा या दो फंक्शन के बीच में माइनस का साइन होगा। u के जगह पे f of x हो सकता है, v के जगह पे g of x हो सकता है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन उनके बीच में आइदर यू गेट एस प्लस साइन और यू गेट एस व्हाट, कभी भी ऐसा निकाल तो टेंशन नहीं लेने का। क्या नहीं लेने का? टेंशन। सीधा डेरिवेटिव करने का, सीधा क्या करने का? u का डेरिवेटिव बताओ, du by dx, ये अभी तो सीखा है था, प्लस माइनस v का डेरिवेटिव बताओ, कोई टेंशन नहीं लेने का, प्लस माइनस रहेगा। तो समझा क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखो सब लोग, बीच में कौन सा साइन है, टेंशन लेना है क्या? फाइव रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बताओ, बोलो फाइव रेस टू एक्स लॉग फाइव, ये कौन सा टाइप है, समझा क्या? कौन सा कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल, फाइव रेस टू एक्स का बीच में प्लस है, इधर भी प्लस, और एक्स रेस टू फाइव का डेरिवेटिव, समझा क्या? आगे देखो, दो फंक्शन के बीच में कौन सा साइन है, टेंशन लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, बराबर। अब ये इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले, किसका? थ्री कॉट एक्स का, बराबर ना? थ्री कॉन्स्टेंट है, अकेला है क्या उसको हाथ? थ्री वैसे रखो, चलो वेरी गुड, क्या माइनस, तो बाहर ले लो माइनस, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर, बीच में कौन सा माइनस, टेन कॉन्स्टेंट है, अकेला है क्या तो उसको हाथ, तो टेन वैसे रहेगा, डेरिवेटिव किसका? x raise to 9 का डेरिवेटिव 9x raise to 8, तो क्या हो जाएगा 90x raise to 8। ये किसको नहीं समझा अभी पूछ लो, मेरे को नहीं समझा और किसको, सबको समझा फॉर श्योर, कोई टेंशन है नहीं, वेरी गुड। फॉर्मूला नंबर 19, यू वी इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या बोलते हैं इसको? जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन बनेगा, दो फंक्शन किस बनेगा? तो टेंशन लेने का थोड़ा, उनको समझा, प्लस माइनस पे टेंशन नहीं लेने का, बट व्हेन इट इज इन व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा स्ट्रेस ले लेने का वो टाइम पे, ठीक है? फॉर्मूला आएगा तो स्ट्रेस नहीं लेने का, अभी नहीं आता है ना, थोड़ा स्ट्रेस ले लो, ठीक है? प्रवीण जैसे एक्टिंग करते बार बार वो सब कर सकते हैं लोग, क्या करने का मैं बताता हूँ, एक फंक्शन को छोड़ देने का, दूसरे का डेरिवेटिव करने का, एक फंक्शन को छोड़ के प्लस दूसरे को छोड़ देने का और पहले का डेरिवेटिव। यू को ड्रॉप करो, यू को मैंने ड्रॉप कर दिया, देखो ड्रॉप कर दिया, वी का डेरिवेटिव क्या होगा? डीवी बाई डी एक्स प्लस वी को ड्रॉप करो और किसका डेरिवेटिव, समझा क्या बोला मैंने? यू छोड़ के वी का डेरिवेटिव प्लस v छोड़ के u का डेरिवेटिव, समझा? u में क्या करने का, u छोड़ के v का डेरिवेटिव और v छोड़ के u का डेरिवेटिव, दोनों के बीच में कौन सा साइन? ये कब करने का? जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में। इधर देखो सब लोग एग्जांपल, सिक्स सिक्स वन था, सॉरी देखो साइन x log x, दो फंक्शन है, हाँ है ना, मल्टीप्लिकेशन में एक दो साइन एक्स और कॉस एक्स लिख दिया, लॉग एक्स का कॉन्वेक्स जीरो मिलेगा, ऐसा नहीं चलता है, ये मल्टीप्लाई में ना, जब मल्टीप्लाई में तो हम लोग प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे? बेसिकली उसको यूवी रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो क्या करने का, यू ड्रॉप करके वी का डेरिवेटिव प्लस वी ड्रॉप करके यू का डेरिवेटिव, समझा? किसको ड्रॉप करूं पहले, यू को ना, यू कौन है? साइन एक्स को ड्रॉप कर दिया मैंने, डेरिवेटिव इसका log x का, log x का डेरिवेटिव 1 by x, वेरी गुड। प्लस अभी किसको ड्रॉप करने का, ड्रॉप कर दिया, डेरिवेटिव किसका क्या होता है, हो गया, इसका डेरिवेटिव करो बुक पे लास्ट पेज पे, अपने आंसर बताओ, सब जो कैंसिल मेरे करो, एक्स रेज ए प्लस नाइन लॉग एक्स, वो है क्या? देखो यस सर, बराबर है, ये कॉमन इवेंट है कि नहीं ले सकते, वो एमसीक्यू के ऑप्शन में देखने का दिया है,
अगर कॉमन लेके लिया है तो कर लो, नहीं तो इतना छोड़ेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थियरी में आ रहा है तो कभी भी छोड़ सकते हो, समझ गया। बट अगर कॉमन लेना है एमसीक्यू के ऑप्शन में देखना, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं। यूवी रूल सबको समझा फॉर श्योर, कोई प्रॉब्लम। यूवी रूल का एक एग्जांपल और एक दे रहा हूँ, तुम लोग कर पाएगा एक मिनट, तुम लोग कर पाओगे बोल। किसको एक ही बार करना था डेरिवेटिव, कर दिया हमने, ये कर दिया ना डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या था, और एक बार थोड़ी करने का है, खत्म हो गया सब, एक ही बार करना था। समझा कैसे करना है, इतने फॉर्मूले समझे, और फॉर्मूले है दे रहा हूं मैं, बट इतना सबको समझा, कोई डाउट। सबसे पहले क्या करने का बताता हूं, इधर आओ, ये बुक दी पेज दे, समझो ये तुम्हारा बुक है, ऐसा ना ऐसा एक छोटा सा पार्टीशन कर देना, ठीक है। इधर एक स्ट्रेट लाइन मारना, ये साइड पे y f of x, इधर dy by dx f dash of x, समझ गया ना, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नीचे पार्टीशन होना चाहिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मार्जिन है तो मार्जिन का पार्टीशन डाल देना, वो समझता है तुम्हें को सब, इतना कर लेना, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सिखा सकता, कर लोगे ना, करो चलो। ए इधर देखो फॉर्मूले नंबर 20, यू अपॉन वी रूल, इधर देखो सब लोग, यू प्लस माइनस वी में क्या किया था, सीधा डेरिवेटिव ना, U into V root में क्या किया था, U को drop करके V का derivative plus V को drop करके U का derivative। अभी U upon V root में क्या करने का बताता हूँ, UV में किसको drop किया था तुमने, U को ना, U upon V में पहले V को drop करने का, किसको drop करने का, चलो V को drop किया, U का derivative क्या होता है, U by dx, उधर बीच में plus था कि minus था, इधर minus, फिर बाद में U को different drop करने का derivative किसका, और whole upon V square, होल अपॉन में क्या नीचे का जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर लिख देगा, समझा। चलो वापस यू अपॉन वी रूल, पहले किसको ड्रॉप करने का, डिफरेंशिएट किसको करने का, माइनस, फिर किसको ड्रॉप करने का, डिफरेंशिएट किसको करने का, और अपॉन में क्या लिखने का, इतना समझा। ये देखो समझो, ये समथिंग अपॉन समथिंग है, हाँ है ना, तो ये U हो गया, पर ये चलो कौन U पहले बता दो, x raise to 5, पर ये कौन, चलो किसको ड्रॉप करने का, बोलो log x को डेरिवेट करना है, डेरिवेटिव किसका, x raise to 5 का, क्या होता है 5 x raise to 4, फिर बीच में कौन सा साइन, अब किसको ड्रॉप करने का, और डेरिवेटिव किसका, log x का, क्या होगा 1 by और the whole upon क्या, log x का, समझा गया। नेक्स्ट स्टेप पे ये कैंसिल कर देना, बचेगा क्या ऊपर, x raise to 4, 5 x raise to 4 log x minus x raise to 4 the whole upon क्या, log x का, अच्छा log x का whole square को 2 log x लिख सकते हैं, सब खड़े भरे हुए लॉट में कर लिए, कर दिया हम लोगों ने, x का स्क्वायर होता है ना x का, तो 2 log x होता है, ये होल स्क्वायर है, तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ x का स्क्वायर बना x का तो वो बाहर आता है, होल स्क्वायर में से बाहर नहीं आता है, समझा गया, फिर से करोगे मिस्टेक, x का स्क्वायर होगा तो बाहर आएगा, बट जो होल स्क्वायर होगा तो बाहर नहीं आता है, समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। इधर देखो तुम लोग, तो यू ओपन यू सबको समझा फॉर श्योर, 21st ये फंक्शन भी कहता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, क्या बोलते हैं, f of g of x निकाला था ना हमने, f of x ये सब निकाला था ना, एक फंक्शन के अंदर वापस वही फंक्शन या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, क्या बोलते हैं, अब जब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना रहेगा तो चेन रूल यूज होता है, क्या यूज होता है, सबसे पहले क्या लिख रहा है मेरे को बताओ, f क्या लिख रहा है, f का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश, f का डेरिवेटिव क्या, फिर अंदर जो भी रहेगा ना उसको हाथ नहीं लगाने का, वैसे लिखने का, अंदर क्या है बताओ, g of h of x, समझा गया,
अब f के बाद क्या दिख रहा है उसका डेरिवेटिव, g का डेरिवेटिव क्या g डैश, अंदर वाले को हाथ नहीं लगाएगा, क्या आएगा h ऑफ x। अभी g के बाद क्या दिख रहा है h का डेरिवेटिव क्या x डैश ऑफ x, अंदर वाले को हाथ। अब इसका डेरिवेटिव x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, लिखा नहीं लिखा फर्क पड़ता है, ये सब मल्टीप्लाई में लिखते जाने का। तुमको चेन रूल क्या होता है समझा, चेन रूल सीखने को थोड़ा टाइम लगता है बट बेसिक आइडिया लग गया। अब चेन रूल कब लगाने का, जब फंक्शन क्या होगा कंपोजिट, क्या होगा कंपोजिट, एक के अंदर दूसरा फंक्शन आएगा तब लगाने का। एग्जांपल करते हैं, तो इधर देखो सबसे पहले तो बताओ किसको लग रहा है इधर u into v रूल आएगा, tan x into cot x होता ना तो u into v रूल, ये tan x नहीं है, जहां पे एंगल होना चाहिए था उसकी जगह पे क्या है cot x, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है हायर। सबसे पहला क्या लिख रहा है tan का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec square, क्या होता है sec square, tan का डेरिवेटिव sec square, अंदर वाले को हाथ लगाने का है कि नहीं लगाने का है, तो वो वैसे ही आएगा बराबर sec square cot x बराबर है क्या, फिर मल्टीप्लाई में डालते जाएगा बराबर ना। अब किसका tan का हो गया ना, अब किसका cot का, cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec square x, तो इधर माइनस इनटू बाहर चलेगा और यहां पे क्या cosec square x, अब किसका x का, तो वो क्या होता है, किसको नहीं समझा चेन रूल बताओ, बहुत सारे एग्जाम कम से कम 30-40 एग्जाम लूंगा चेन रूल पे, अभी नहीं बट बेसिक आइडिया लग गया पक्का। चलो ये यूवी रूल की कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट ब्लॉक के अंदर जो होना चाहिए उसके साइन है और साइन के अंदर एंगल होना चाहिए उसकी जगह पे x रेस टू 3/2। सबसे पहला क्या लिख रहा है ब्लॉक, रुक जाओ और डिस्कस करते क्वेश्चन बोलो, सबसे पहले क्या लिख रहा है क्यू, क्या लिख रहा है क्यू, मतलब डेरिवेटिव कौन सा समझ गए होगा ना 3x² बराबर ना, क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 3x² ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 नीचे आ जाएगा और ये लॉग वाला वो सब ऐसे ही रहेगा ना, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स रेस टू 3/2 बराबर है क्या, और इसका क्या स्क्वायर समझा, इक्वल टू मत डालना एरो डालना डेरिवेटिव कर रहा हूं ना, इतना समझा, किसका डेरिवेटिव तुमने कर दिया अब किसका लॉग का, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो इधर लॉग का क्या होगा 1/ ऐसा लिखो अपॉन में सेम ही होगा 1/ क्या साइन एक्स, कैसे अंदर वाले को हाथ नहीं लगा रहे साइन ऑफ क्या एक्स रेस टू 3/2 बराबर है इतना, अब किसका कर दिया लॉग का भी हो गया, अब लॉग के अंदर का कौन साइन, अब साइन का किधर लिख लेंगे नीचे की ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में बोला था ना ऊपर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, क्या लिखो कॉस क्या वेरी गुड, एक्स रेस टू क्या हो गया साइन का, अब किसका क्या होता है एक्स रेस टू 3/2 रूट एक्स हो गया। सॉरी अगर तुमको सिंप्लीफाई चाहिए कॉस और साइन का एंगल देखो सेम है, उसको कॉट लिख दो, ये 3 और ये 3 को 9 कर देना बस, और कुछ नहीं कर सकते, तुमको समझा कैसे करने का, दिस इज व्हाट चेन रूल इज, अंडरस्टूड पक्का। अब नेक्स्ट देखो फॉर्मूला नंबर 22 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुमको बता चुका हूं मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 23 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, 24 tan inverse of x, 25 cot inverse of x, और क्या बाकी है sec inverse of x और cosec inverse of x बराबर है। सबसे पहले क्या देखना sin inverse of x, sin inverse x का डेरिवेटिव देखना 1/√(1 − x², sin inverse x का डेरिवेटिव क्या 1/√(1 − x²) sin x cos x cos x minus नहीं properly
1 upon root of minus x square cos inverse of x minus 1 upon root of 1 minus x square tan inverse x ka dekho 1 upon 1 plus x square bas tan inverse x ka derivative kya 1 upon 1 plus x square cot inverse ka same but with negative sign kya minus 1 upon 1 plus x square samjha gaya sec inverse ka derivative idhar dekhna abhi sab log 1 upon modulus of x 1 upon kya modulus of x into square root of x square minus 1 into square root of kya x square minus 1 very good sec inverse ka fir se bolo 1 upon modulus of x into root of x square minus 1 cosec inverse ka same but with negative sign 1 upon modulus of x into what root of x square minus 1 11th or 12th sare derivatives ke formulas ho gaye tumko samjha नेक्स्ट लेक्चर तक मैं कैसे भी याद होनी चाहिए ये और ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टूड रोज एक बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएंगे और लिखने का टेक्निक होता है एलएचएस वाला पार्ट पहले लिख दो खुद से देख के लिखो चलेगा आरएचएस वाला पार्ट बिना देखे लिखने का समझा चलो वापस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव समझा अभी करो जल्दी चल बुक बंद करो मत करो बुक बंद फॉर्मूला लिस्ट ओपन करके रखो अगर मेमोराइज नहीं हुए तो ठीक है एग्जांपल्स कर रहे हैं केयरफुली देखना डिवाइस कर लेते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का माइनस वेरी गुड tan x का cot x का माइनस sec x का sec x into tan x वेरी गुड cosec x का माइनस sec x into cos x x raise to n का n x raise to n minus 1 बराबर ना x square का 2x 1 upon x का माइनस 1 upon x square बराबर ना root x का 1 upon 2 root x बराबर ना log x का 1 by x a raise to x का a raise to x का 10 raise to x log 10 अरे basic रे e raise to x का constant अकेला 0 constant f of x के साथ constant f dash of x बराबर ना u plus minus v direct derivative बराबर u v rule U ड्रॉप करके प्लस V ड्रॉप करके बराबर U अपॉन V रूल V ड्रॉप करके माइनस U ड्रॉप करके V का डेरिवेटिव अपॉन बराबर ना श्योर है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर sec इनवर्स x का 1 upon mod of x into root of x square minus 1 समझा जस्ट देखो अभी सब लोग एवरीवन पे अटेंशन फॉर्मूला लिस्ट सबको समझ अगर नहीं आते तो ठीक है y is equal to x raised to 4 plus 4 raised to x plus 4 raised to 4 देखो अपने को डेरिवेटिव चैप्टर आता है बराबर है कि नहीं अभी तुमको ना वो फर्क नहीं पड़ेगा बट डेरिवेटिव आता है इसका मतलब ये नहीं कि पहला स्टेप दिखा डेरिवेटिव कर देगा ऐसा नहीं करने जब तक तुमको सारे टर्म्स का डेरिवेटिव नहीं आता तब तक डिफरेंशिएट नहीं करने का तुम बताओ मेरे को x raise to 4 का आता है कि नहीं आता है 4 raise to x का आता है 4 raise to 4 का आता है अभी s कांस्टेंट है पूरा जीरो हो जाएगा तो सबका आता है ना तो डिफरेंशिएट करेगा बट जब तक तुमको सारे टर्म्स का डेरिवेटिव नहीं आता है डिफरेंशिएट नहीं करने का तो पहले ही स्टेप पे कर सकते हैं अपन ठीक है क्या लिखने का डिफरेंशिएट क्या विद रिस्पेक्ट टू क्या समझा ही क्या है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू विद वेरिएबल क्या क्योंकि मुझे क्या चाहिए dy/dx समझा चलो y का डेरिवेटिव क्या होता है
dy अपॉन dx बोलो x रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस माइनस का तो टेंशन ही नहीं होता है ना बराबर ना प्लस वैसे ही 4 रेस टू x का बोलो वेरी गुड और 4 रेस टू 4 का बोलो हो गया तो dy बाय dx का आंसर क्या है मेरे को बताओ 4x क्यूब प्लस 4 रेस टू x ना 4 कौन बोलेगा वापस वही लिख रहे तो क्यों लिख रहे वापस समझा क्या नेक्स्ट देखो इधर सब चलो मेरे को एक बार बताओ सारे टर्म्स का डेरिवेटिव आता है क्या पहले देखते हैं साइन एक्स का आता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का आता है कैसे करोगे 1 अपॉन एक्स रेस टू 7 और फिर बाद में एक्स रेस टू 7 का 7 एक्स रेस टू 6 ऐसा मत करो सुनो एक ही ऐसा मत करो सुनो ये 7 बाहर आ सकता है अभी अब आ सकते हैं सोच के आओ फिर से 7 लॉग एक्स हो गया ना अब ज्यादा इजी हो गया ना डेरिवेटिव नहीं समझा उससे भी वही आंसर आएगा इससे भी है बट ज्यादा कंपैरेटिवली चेन रूल इजी है कि नॉर्मल इजी है नॉर्मल 9x रेस टू 8 का आ जाएगा 7 का आ जाएगा पहला स्टेप पे डेरिवेटिव नहीं पहला स्टेप पे सिंपलीफाई होगा बराबर कि नहीं चलो सिंपलीफिकेशन बताओ क्या आएगा y is equal to sin x plus 7 log x plus 9x raised to 8 plus 7 अब करते हैं डिफरेंशिएट With respect to क्या? X. X. Very good. Y का derivative क्या? dy/dx. बराबर है. Sin X का derivative क्या आएगा? Cos X. बराबर 7 constant. Derivative 0. हाँ या ना? नहीं. अकेला है क्या? नहीं. तो derivative 0 होगा क्या? नहीं. Plus 7 वैसे रहेगा. Log X का derivative? 7 by X लिख दूँ क्या? Plus 9 constant. Derivative 0? नहीं. क्यों? फंक्शन के साथ है 9 वैसे रहेगा डेरिवेटिव किसका x रेस टू 8 का क्या होगा 8 x रेस टू 7 ना और 9 8 का क्या हो जाएगा 72 x रेस टू 7 प्लस 0 लिखा नहीं लिखा फर्क पड़ेगा क्या वेरी गुड चलो मेरे को बताओ सबका डेरिवेटिव आता है क्या पहले x क्यूब को सिंपलीफाई करो समझ गया करो सिंपलीफाई मतलब खाली y आएगा ना पहले तो क्या आएगा x क्यूब log e माइनस 7 x रेस टू ये अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया है तो कुछ हाथ मत लगाओ समझे क्या बोल रहा हूँ वेरी गुड यस log e क्या होता है 1 लिख के हटा दो तो y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस प्लस अभी तक मैंने यू वी रूल के भी एग्जांपल नहीं लिया अभी तक मैंने चेन रूल के भी एग्जांपल नहीं लिया अभी तक मैंने यू अपॉन वी भी नहीं लिया सब बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूं मैं तुमको समझ रहा है धीरे धीरे स्टेप करते हैं अभी आराम से जाते हैं समझा इतना चलो अब करते हैं डिफरेंशिएट बराबर ना जहां पे सिंपलीफिकेशन खत्म वहां पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई का डेरिवेटिव dy by dx x cube का डेरिवेटिव 3x square माइनस 7 वैसे ही रहेगा x raise to 3 by 2 का डेरिवेटिव into मेरा 3 by 2 root x बराबर प्लस 9 वैसे x raise to 2 by 9 का डेरिवेटिव into 2 by 9 x raise to माइनस 7 by 2 वेरी गुड 7 by 9 सॉरी 2 by 9 माइनस 1 ना माइनस 7 बाय 9 सिंपलीफाई करते चलेगा जितना सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है करते जाने का समझा गया 3x स्क्वायर माइनस 21 रूट एक्स अपॉन 2 9 9 चला गया पॉजिटिव क्या तो नीचे जाएगा समझा कैसे क्या पक्का सबका डेरिवेटिव आता है क्या देखो इसका आता है क्या इसका इसका आता है इसका आता है इसका क्या अपडेट है
x into x raised to 1 by 2 तो 2 ये हो जाएगा तो ये x ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसिस ए रेस टू एम प्लस एन होगा ना टू प्लस हाफ कितना होता है फाइव बाई टू अब एक्स रेस टू फाइव बाई टू का इजी है ना UV rule ज़्यादा इजी है कि x raise to 5 by 2 का इजी हो समझा UV rule कब लगाया था जब फंक्शन अलग अलग होगा ये तो सेम फंक्शन है ना तो एक स्टेप में डेरिवेटिव की सिंपलीफिकेशन x square root x x raise to क्या हो गया प्लस x प्लस 7 raise to x प्लस x raise to कर लोगे तुम लोग ये वाला तुम लोग करना ठीक है मेरे को एक बात बताओ सारे टर्म्स का डेरिवेटिव आता है क्या आता है साइन एक्स कॉट एक्स का कैसे करोगे यूजुअली यूवी रूल करना चाहिए बट बाय कॉट को कॉस अपॉन साइन एक्स करता हूं साइन से बचेगा क्या कॉस अब डिफरेंट और इजी हो गया करना चाहिए यूवी रूल बट अगर सिंप्लीफाई करके इजी हो रहा है तो क्या हो रहा है तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ तो पहले स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन साइन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा कॉस एक्स ना क्योंकि कॉस अपॉन साइन हो जाएगा तो साइन साइन कट हो जाएगा बराबर फिर प्लस क्या सेक एक्स फिर क्या माइनस फोर और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या नहीं ना तो कर दो डिफरेंशिएट बोलो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x का डेरिवेटिव क्या sec x का डेरिवेटिव क्या sec x into tan x माइनस साइन वैसे ही रहेगा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cos x cot x वो माइनस ये माइनस प्लस cos x into cot x समझा क्या कैसे करने का एक गधो समझा क्या ठीक है अब इधर देखो सब लोग x square plus root x to the power of क्या? तो अगर मैं तुमको बोला इसका derivative करो, कैसे करोगे पहले? पहले open करो, chain rule मत लगाओ। अगर पहले open किया तो बताओ क्या आएगा? x raise to 4 plus plus b square ना? x plus 2 x square root x और x square root x क्या होगा? x raise to 5 by 2 x raise to 5 by हो गया। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट तुम लोग ऐसा लाइन नहीं मारोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या अभी स्टे क्वाइट राम प्लीज स्टैंड अप बताओ डेरिवेटिव अमन अमन शट अप One of the easiest derivative ever. Wait. क्या आएगा? 4x cube plus x का क्या आएगा? Plus 2 ऐसे रहेगा? डेरिवेटिव जीरो लिख दू और एक्स रेस्ट फाइव बाई टू का क्या फाइव बाई टू एक्स रेस्ट टू थ्री बाई टू अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करने के टाइम पे क्या करोगे अब ऐसे टाइप के समझे तो तुम लोग कर पाओगे कॉपी पास्ट ए मैं क्या बोल रहा हूँ एक हैबिट डालो सुनो क्लास वर्क जो कर रहे हो ना वो ब्लू पेन से करना होमवर्क जो करोगे ना ब्लैक पेन से करोगे उनको समझा क्या बोल रहा हूँ मैं क्लास वर्क ब्लू पेन से करो होमवर्क ये हैबिट डाल लो या तो रेड पेन से या जिससे करना है करो
यहाँ पे डाल के रखो, समझ गया? हाँ चलिए, पर तुमको समझना चाहिए क्या किया है क्लास में और क्या होमवर्क में। ये हैबिट रखो सब लोग। वीडियो चालू है अभी तक? इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? माइनस थ्री अपॉन एक्स रेस टू थ्री बाई टू। पहला स्टेप तो एक मिनट, पहला स्टेप माइनस थ्री है, उसको वैसे ही रखेंगे। वन अपॉन एक्स रेस टू थ्री बाई टू मतलब बेसिकली एक्स का पावर क्या होगा? माइनस थ्री। फिर आएगा डेरिवेटिव करने, ये बराबर फोकस है। इधर देखो, हेडिंग डालो सब लोग। एग्जांपल्स बेस्ड ऑन यूवी एंड यू अपॉन वी रूल। हेडिंग डालो, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन यूवी एंड यू अपॉन वी रूल। करो ओपन, करो बैठ जाओ शांति से, बैक सीधा कर दो खुद का। चलो पे अटेंशन, तो अभी मैंने नीचे रख दो, सब लोग सीधा बैठो। फॉर्मूला चाहिए तो ओपन रखो, वरना कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? इधर देखो, वेरी फर्स्ट एग्जांपल। चलो विवेक काम डाउन नाउ। log of e raised to x square into log of x raised to 7। पहले इस स्टेप का डेरिवेटिव करोगे? हाँ या ना? पहले करेंगे सिंपलीफिकेशन। क्या करेंगे? बोलो पहला स्टेप क्या? x square बाहर, वो log ही हो जाएगा जिसका डेरिवेटिव पर लिखा नहीं लिखा फर्क पड़ता है? और क्या? इंटू 7 log x। इतना समझा? पक्का? ये 7 कांस्टेंट है ना, इसका कोई टेंशन नहीं लेने का, इसको चुपचाप बाहर रख दो। y इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 x स्क्वायर log x। अभी तुमको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहा होगा, कौन कौन? x स्क्वायर और log x। तो ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? ये तो कांस्टेंट है, इसका टेंशन अकेला है क्या? डेरिवेटिव जीरो लिख सकते हैं क्या?
differentiate with respect to x. Bolo y ka derivative. देखो द मोमेंट आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं सीधा वाई का डेरिवेटिव करता हूँ यस और नो सेवन कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा बराबर है ब्रैकेट मत भूलना अब यू इनटू वी रूट रा स्टैंड अप एवरीवन स्क्रीमिंग क्वाइट हां व्हाट इज यू इनटू वी रूट देख के बोल चलेगा तुम तो ले मेरे किधर पता तो चले टेल मी मैं ले रहा हूं अमन उसको उंगली बता किधर है अमन को भी नहीं मिल रहा उसे लिखा है क्या लिखा है तो बोल डी 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 वी अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स क्या बोल रहे हैं तेरे को काटा क्या अमन आई मीन सॉरी राम देख के भी तू बराबर नहीं बोल पा रहा तेरे को ऐसा वर्ड्स घूमते हुए दिखता है क्या उधर तो फिर तू देख के क्यों रॉन्ग बोल अमन ने उसने रॉन्ग ही लिखा है क्या लिखा पर फिर भी बोल नहीं पा रहा है तेरे उसको पढ़ के बता अमन क्या बोल रहा है सॉरी कुछ अलग ही लिखा मैं बोल रहा था कुछ तो अलग लिखा है उसने पर मैं देख के नहीं पढ़ पा रहा मतलब सेकंड में ही है चलो छोड़ो छोड़ो टेंशन मत लो तुम लोग रहने दो अमर हम बैठ जा देखो जरा फॉर्मूला राइट लिखो आर्यन आया लो ए बताओ यूवी रूल क्या होता है सुमित बता यूवी बाय डीएक्स प्लस वी डीयू बाय डीएक्स आता है ना फॉर्मूला अब इधर बताओ इसमें क्या आएगा एवरीवन रिमेन क्वाइट U कौन है V कौन है मैंने बता दिए अब जरा सोच के बोल दे x square very good plus 1 by x इतना लोग बोल रहे हैं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है तेरे को सुनाई नहीं दे रहा उधर दोस्त पाल के रखे बैठ 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 यू छोड़ा किसका डेरिवेटिव बी का डेरिवेटिव मतलब किसका एवरीवन स्टॉप राइटिंग लॉग एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव देखो एक एक में हैबिट डाल दो अभी के लिए डाल दो इनिशियल स्टेज पे बाद में वो हैबिट ब्रेक कर लेंगे हम लोग इनिशियल डेरिवेटिव मतलब इधर वाई था इधर क्या है डी बाय डी मतलब कौन सा टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है डी बाय डी क्या डी वाई का डी बाय डी एक्स्ट्रा मतलब कौन सा टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है डी बाय डी तो ऐसे लिखने का d by dx क्या लिखने का किसका डेरिवेटिव है अपन v का v कौन है तो ऐसा log x लिख लो इनिशियल स्टेज पे हैबिट रखेंगे बाद में ब्रेक कर देंगे इसको ठीक है प्लस अब किसको छोड़ने का v को मतलब किसको और फिर d by dx किसका d by dx x square का ये हैबिट रखेंगे समझ गए तुम लोगों इनिशियल स्टेज पे जब तक हम लोग एकदम फ्रेशर्स हैं इसके लिए ठीक है तो मेरे को बताओ क्या आएगा आंसर d by dx वैसे सेवन वैसे बराबर ना एक्स स्क्वायर वैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या प्लस लॉग एक्स वैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बराबर है इनमें कुछ कैंसिल हो रहा है एक्स कैंसिल हो रहा है बचा क्या एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स एक्स कॉमन भी आ जाएगा ले लो कॉमन सेवन एक्स वेरी गुड ब्रैकेट में क्या इधर एक्स ही बचा था वो भी कॉमन तो वन बचा प्लस हो गया कैसा गया समझा गया सबको पक्का पे अटेंशन भी साइन एक्स इंटू टू एक्स पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या नहीं। कुछ नहीं कर सकते तो क्या ऑप्शन है अपने पास सीधा डेरिवेटिव ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या वाई का डेरिवेटिव क्या यू कौन है वो बताओ साइन एक्स वी कौन है
तो पहले किसको ड्रॉप करने का यू को मतलब किसको साइन एक्स को ड्रॉप करते हैं चलो साइन एक्स को ड्रॉप डेरिवेटिव किसका होगा क्या हैबिट डालने बोला मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बराबर है प्लस अब किसको ड्रॉप करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे साइन एक्स तुम लोगों को पता है मैं कैसे लिख रहा हूँ समझ रहे हैं सबको तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मतलब साइन एक्स इंटू प्लस ई रेस टू एक्स वैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव वेरी गुड हो गया सॉल्व ज्यादा ज्यादा सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू के ऑप्शन क्या कॉमन है तो डी बाई बाई डी एक्स में ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो अंदर क्या आएगा मेरे को बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना समझा इधर देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या नहीं अगर सिंप्लीफाई नहीं करना होगा तो यूवी रूल लगेगा बट अगर मैंने सिंप्लीफाई किया मतलब ब्रैकेट ओपन किया तो भी यूवी रूल तो आने ही वाले एक्स स्क्वायर इनटू कॉन्टेक्स्ट में और ऊपर से ये अलग और एक करना भी पड़ेगा डायरेक्ट कर दे फिर तो समझा यू कौन बी कौन डिसाइड करो ये यू और ये चलो स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोलो y का डेरिवेटिव पहले किसको ड्रॉप करेंगे u को मतलब किसको और d by dx मतलब डेरिवेटिव ना किसका तुमको समझ रहे मैं कैसे लिख रहा हूँ फिर प्लस या माइनस फिर कॉटेक्स को ड्रॉप कर दिया और डेरिवेटिव किसका x square minus 3 बराबर है क्या चलो therefore dy by dx x square minus 3 को मैंने ड्रॉप कर दिया था इसका डेरिवेटिव करने का अपने को कॉटेक्स कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर तो माइनस इधर लिख लेते हैं अंदर क्या कोसेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉटेक्स वैसे रहेगा हाँ है ना इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बीच में माइनस है कोई टेंशन है क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और माइनस थ्री का सिर्फ टू एक्स हो गया सॉल्व कुछ सिंपल नहीं रहेगा कुछ कॉमन वगैरह नहीं आया This is what this is. समझ के कैसे करने का पक्का श्योर है हाँ रिता रुक जा कुछ बताने का मेरे को ये सब करते इधर देखो रे तीन टर्म मल्टीप्लाई में क्या करोगे दोनों का दो ऐसे फिर दूसरे का दो ऐसे यस यूवी रूल में क्या किया था यू छोड़ के वी का डेरिवेटिव प्लस वी छोड़ के यू का डेरिवेटिव इसमें दो छोड़ो इसको बोलते हैं यूवी डब्ल्यू रूल अभी चार आए तो मैं सिखाने नहीं वाला तो अभी समझ लो दो ड्रॉप करके तीसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे दो ड्रॉप करके बीच का डेरिवेटिव प्लस बाद वाले दो ड्रॉप करके पहले का डेरिवेटिव चार आए तो तीन ड्रॉप करके एक का डेरिवेटिव ऐसे चार बार आएगा समझा तो ये रूल है यू वी डब्ल्यू कौन सा रूल है यू वी डब्ल्यू डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव ना यू वी डब्ल्यू क्या आएगा बताओ यू वी को ड्रॉप करने का डी डब्ल्यू बाई डी एक्स वेरी गुड फिर यू डब्ल्यू को ड्रॉप किया डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू को ड्रॉप किया समझा क्या ऐसा करने का अंडरस्टूड समझा गया चलो इसमें यू कौन बी कौन डब्ल्यू कौन जल्दी बताओ ये यू ये समझा गया इतना चलो बताओ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलो वाई का डेरिवेटिव क्या डी वाई बाय डी एक्स यू छोड़ दो मतलब ई रेस्ट एक्स को छोड़ दो बी छोड़ दो मतलब और डेरिवेटिव किसका बोला मैंने प्लस बोलो ई रेस्ट एक्स छोड़ दो लॉग एक्स छोड़ दो डेरिवेटिव किसका साइन एक्स वेरी गुड स्टेप बाय स्टेप कैसे आराम से करता हूं मैं समझा प्लस अब किसको छोड़ने का लॉग एक्स को छोड़ने का फिर किसको छोड़ने का साइन एक्स और डेरिवेटिव किसका कर पाओगे तुम लोग फिर ये सब डेरिवेटिव वगैरह हो जाएगा ना उसके बाद ई रेस्ट एक्स कॉमन आने वाला है क्योंकि इसका डेरिवेटिव वापस यही आने वाला है तो तीनों के पास ना ई रेस्ट एक्स आएगा वो तुम लोग कॉमन ले लो समझा क्या करने में कर पाओगे
तीन चार सम यू वी रूल कर दो तो तुम लोग अभी कर पाओगे यू वी रूल का ही दे रहे हो यू अपॉन ले भी नहीं रहो पर ये समझ गया कॉपी फटाफट मैं बोला ना थोड़े टाइम के लिए हैबिट डाल फिर नहीं करना अपने को चेन रूल में प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को मत बोलना फॉर्मूला लिस्ट में करना है करो वरना इधर ही लिख दो चलेगा याद तो रह जाएगा सबको मेरे को पता है एवरीवन रिमेन क्वाइट इधर देखो कितने क्वेश्चन हुए थे हाँ इधर देखो सब लोग इसी में यू अपॉन वी भी करने ही वाला बाद में ठीक है अभी इधर देखो सब लोग एवरीवन स्टॉप राइटिंग ये क्वेश्चन है ई रेस टू एक्स एक्स रेस टू थ्री बाई टू माइनस सेवन रेस टू एक्स एक्स रेस टू सेवन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या वाई का डेरिवेटिव अभी जब डेरिवेटिव करूंगा तो मैं बीच में कौन सा साइन है कोई टेंशन है क्या इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे बराबर बीच में कौन सा साइन डालेंगे तो जब इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे तो बीच का तो टेंशन ही नहीं जब इसका करेंगे तो यू वी रूल जब इसका करेंगे तो वापस यू वी रूल समझ गया चलो बताओ क्या आएगा ई रेस टू एक्स से डी बाई डी एक्स ऑफ क्या थ्री बाई टू वेरी गुड फिर क्या क्या माइनस तुमको पता भी क्या चल रहा है ये खत्म हो गया क्या एक साइड वाला हाँ वो बाकी अभी भी प्लस एक्स रेस टू थ्री बाई टू वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ क्या माइनस साइन इज वेरी डेंजरस साइन ऑलवेज पुट व्हाट ब्रैकेट आफ्टर द नेगेटिव साइन यस और नो अभी जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा वापस ही फिर बोलो सेवन रेस टू एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स रेस टू सेवन प्लस एक्स रेस टू सेवन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या मेरे को ये बात बताओ किसको ये समझा नहीं सबको समझा इधर प्लस रहता तो क्या फर्क होता सिर्फ ये प्लस होता इधर इंटू रहता तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता यू वी डब्ल्यू एक्स टू एक्स सब लगाओ एक्स और वाई तो क्वेश्चन नहीं है तो यू वी डब्ल्यू जेड तीन छोड़ के एक का डेरिवेटिव बराबर कि नहीं चलो डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाय ई रेस टू एक्स एज इट इज एक्स रेस टू थ्री बाई टू का डेरिवेटिव प्लस एक्स फाइव बाई टू बोले रहे कौन है वो कहता हर्ष एक्स रेस टू थ्री बाई टू ड्रॉप ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस ब्रैकेट रहने दो सेवन रेस टू एक्स वैसे एक्स रेस टू सेवन का डेरिवेटिव सेवन एक्स रेस टू सिक्स प्लस एक्स रेस टू सेवन रहने दो सेवन रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया खाली कॉमन वगैरह देख लेने का अभी ऊपर दो टर्म में क्या कॉमन है ई रेस टू एक्स एंड रूट एक्स अंदर क्या बचा थ्री बाय टू प्लस
इन दोनों में क्या कॉमन है? बराबर ना, 7 raised to x common, x raised to 6 common, इसके पास क्या बचा? 7. 7 raised to x common, x raised to 6 common, क्या बचा? हो गया. कैसा क्या समझा गया सबको? पक्का? कुछ अलग है क्या ये सब? मोर और लेस सेम ही है. तीन टर्म है, पहले दो में दो मल्टीप्लाई में, पहले दूसरे में तीन मल्टीप्लाई में और लास्ट में log x है. जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस के बारे में कुछ सोचने का है क्या? अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा इंडिविजुअली, बट जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो इसका डेरिवेटिव करने का रॉ इसको एक साथ कर दो x क्यूब 7/2 क्या हो जाएगा? समझा ना तुम लोग को? यूवीडब्ल्यू से बेटर है अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो ना. log x ऐसे रहेगा x raised to 9/2 माइनस क्या लिखो? x raised to 7/2 cot x प्लस क्या? log x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx. log x ऐसे रहेगा, हाँ है ना, x raised to 9/2 का डेरिवेटिव मतलब d by dx ऑफ क्या? x raised to 9/2 माइनस, माइनस के बाद ये भूलना मत रहे, माइनस साइन इज वेरी डेंजरस, ऑलवेज पुट व्हाट? ब्रैकेट आफ्टर द साइन. x रेस टू 7/2 ac बराबर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? cot x. वेरी गुड. अभी क्या? प्लस cot x को ड्रॉप करने का है. डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? 7/2 x रेस टू 7. ब्रैकेट डन. प्लस log x का डेरिवेटिव पोटेंशियल तो सिंगल टर्म था. अब डेरिवेटिव करते हैं. चलो बताओ log x ड्रॉप कैसे रहेगा? x रेस टू 9/2 का डेरिवेटिव 9/2 वेरी गुड 7/2 परफेक्ट. सर वापस एक टर्म मैंने मिस किया प्लस एक मिनट मेरे को समझा समझा एक मिनट का उसके आगे का और एक टर्म मिस इधर का मिस किया ना मैंने टर्म प्लस या माइनस x रेस टू 9/2 ड्रॉप d by dx ऑफ क्या? आज मेरे से भी मिस्टेक्स होते हैं. मुंबई करता है एक मिस्टेक नहीं आता है. ठीक है देखो दिस हैपेंस व्हेन छोड़ो तुमको बताने जैसा नहीं है वो. प्लस प्लस x रेस टू 9/2 ड्रॉप वेरी गुड 1/ परफेक्ट. इतना समझा सबको? बी केयरफुल पीपल माइनस साइन पुट व्हाट? x raise to 7/2 drop cot x का डेरिवेटिव क्या? माइनस cos x square तो बाहर माइनस लिख दो इधर cos x square x प्लस cot x drop x raise to 7/2 का 7/2 x raise to 5/2 इतना समझा? प्लस ये और मत डेरिवेट करना. वी आर डन विद डेरिवेटिव इसका बराबर ना हो गया. अब खाली देखने क्या क्या कॉमन है. देखो ये x raise to 9/2 है और ये x है. अगर मैं इसको सिंपलीफाई किया तो x raise to 7/2 ही आने वाला है. a raise to m upon a raise to m, a raise to m minus m बराबर ना? तो x raise to 9/2 minus 1 x raise to 7 तो इसका आंसर क्या बताए ना? x raise to 7/2 और वही कॉमन हो रहा है. ले लिया कॉमन. अंदर बताओ सोच के. 9/2 log x plus 1 समझा? इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस बचा इसके पास क्या बचा? और एल्स यू से रूट एक्स का स्क्वायर बचा विच इज अगेन व्हाट? एक्स माइनस एक्स कोस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7/2 cot x प्लस यू आर डन.
कैसा क्या समझा? अब ये यूवी रूल प्लस माइनस में भी कैसे डील करेगा मैंने सिखा दिया, इसके सब सुनना हो जाएंगे। इसका मस्त है कंटल आ रहा है Remain quiet. Listen to me. ये मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज का होमवर्क आज ही करने का या कल करने का, चार दिन बाद ना समझेगा मैंने यूवी रूल क्या है। देखो इनिशियली ना स्कूल जाते थे सीनियर फर्स्ट में अपन, मम्मी पापा लेके जाते थे क्योंकि अपने को रास्ता पता नहीं रहता था रिटर्न कैसे आने का। बट वंस वी गेट यूज टू द रोड, मम्मी हमको छोड़ चल दा कब चू समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ना होमवर्क आजकल में करो, अभी तक यूज टू नहीं है। अब डेरिवेटिव के सात आठ लेक्चर हो जाएंगे ना, फिर दो दिन बाद भी होमवर्क करोगे तुमको सब इजीली आ जाएगा, बट इनिशियली यूज टू नहीं है ना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ मैथ्स टू के कैलकुलस में फेल हो जाओगे जेईई में सीईटी में और इसमें, मतलब मार्क्स कुछ भी नहीं आएगा, जीरो जीरो हो जाएगा सब में। तो ये बेसिक है, अच्छे से कर लो आज का होमवर्क, आज या तो दो दिन में खत्म होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आज तो फिर भी टेस्ट का पढ़ोगे बट कल शाम को तो करना है अपने को सब, समझ गया? थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ। सॉरी अरे इसमें बचते यू अपॉन बी के एग्जांपल्स, नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे वो, कल चेन रूल करेंगे। ठीक है।